तो गाइस बचपन से लेके आज तक भाई मेरे मन में एक सवाल था कि भाई ये मिट्टी के बर्तन बनते कैसे हैं। तो गाइस आज हमारे पास मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मशीन है भाई। इस मशीन का नाम चाक है। मेरे मन में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये बर्तन बनते कैसे हैं। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी एक पानी की बोतल है भाई। प्लास्टिक की बोतल देखी थी, स्टील की बोतल देखी थी, बट आज मिट्टी की बोतल भी देख ली है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये मिट्टी के बर्तन बनते कैसे और इनका क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, क्या हमें इसके अंदर खाना बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बाजार में जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो सही होते हैं या नहीं होते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंकल बताएंगे। अंकल आपका शुभ नाम क्या है? मानसिंह। तो आपको कितना टाइम हो गया इस पे काम करते हुए? कम से कम 30 साल हो गए। गाइस मानसिंह जी को 30 साल का एक्सपीरियंस है इन मिट्टी के बर्तनों को बनाने में। आज अंकल हमें बताएंगे कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। अबे तुम क्या बनाओगे? ये बनाऊंगा। कुल्हड़ बनाओगे? तू क्या बनाएगा? छोटे दो। तो गाइस चलो एक काम करते हैं, पहले अंकल से बेसिक सीखते हैं। अंकल आप बताइए किस तरीके से काम करती है मशीन? बटन से वहां से चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगी। चालू होने बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के, फिर ये थोड़ी मिट्टी इस पर डाल के, और फिर इसको जो भी आइटम बनाना है उससे बनाएंगे। तो गाइस अंकल की कहीं भी चीज करते हैं, पहले मशीन को चालू करते हैं। चालू करा जाए? चालू करो। तो गाइस अंकल ने मशीन चालू कर ली है और अभी इस पे पानी लगा रहे हैं। अच्छा ज्यादा पानी भी नहीं डालना होता है? ओके। ओ भाई अंकल अभी हमें कुल्हड़ बना के दिखा रहे हैं। अंकल ने मिट्टी का जो लेप है उसे यहाँ पे गिराया है और उस पे पानी की मदद से अपने हाथों से आकार दे रहे हैं। वाओ। ओ भाई साहब दद्दू देखो ये फिर ये डोरा होता है। अच्छा अच्छा उसको ऐसे ऐसे लगा के धीरे से छोड़ के फिर ये काट देंगे। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अंकल ने एक बहुत ही बेहतरीन कूलर बना दिया है। बहुत ही शानदार ये लग रहा है। अभी इसे टोटल 2 दिन लगेंगे सूखने के अंदर, तो इसे सिंपल धूप में सुखा देना है। सिंपल, कोई भी ऐसा आग वाग में नहीं देना है। तो गाइस अभी हम इसे यहाँ पे रख देते हैं और हम इसे हकीकत में सुखाएंगे और देखेंगे कि ये एट दी एंड कितना मजबूत बनता है। अंकल आपने जो हाथ का मूवमेंट करा जैसे ये घूम रहा था, तो आपने किस तरीके का इसमें मूवमेंट करा कि भैया ये शेप बना? क्योंकि हम तो कितना कोशिश कर ले वो नहीं बनता, देखने में आसान लगता है ये नहीं बना। बता दूंगा किस तरीके से मूवमेंट करना होता है। अभी जैसे मैंने आकार दिया, पहले मिट्टी ली। मिट्टी लेने बाद जिसको अंगूठे से दबा के उंगलियों से खींचना पड़ता उसको धीरे धीरे। सीख लो भाई, सीख लो कैसे बनाना, तुम्हें भी बनाना। इसके बाद अभी क्या बनाएंगे अंकल आप? अभी मैंने कुल्हड़ बना दिया, इसके बाद एक गिलास बना के बताऊंगा मैं। अच्छा तो गाइस अंकल जो जो चीजें बना रहे हैं ना वो चीजें हमें बनानी है। तो अभी अंकल ने कूलर बनाया है, इसके बाद अंकल अब गिलास बनाएंगे। तो चालू करिए मशीन को। तो गिलास बनाने के लिए कुछ अलग हाथों को घुमाना है या फिर नहीं? जैसा कुल्हड़ बनाना बस उसका थोड़ा सा शेप चेंज करना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। अभी गाइस एक बार शेप देखो, ऊपर से शेप दिखाओ एक बार, देखो किस तरीके का शेप बन चुका है। डिजाइन डाली जा रही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक कूलर और एक गिलास बनके तैयार हो चुकी है, जो कि काफी आसान तरीके से अंकल ने बता दी है। तो अंकल मुझे एक चीज बताइए, अभी ये जो आपने बनाया है इसको बनाने की क्या लागत रहती है और आप इसे कितने में बेचते हो? लागत तो जैसे अभी मार्केट की रेट अभी चल रहे 200 रूपए 100 है ही है। अच्छा 200 रूपए का 100। हाँ, पीस। और जैसे अगर जैसे लेने वाले कहते हैं हमको गिलास चाहिए। हाँ, या कुल्लड़ चाहिए। हाँ, तो उनको अगर कुल्लड़ का कुल्लड़ भी बताते हैं, गिलास भी बताते, जो सैंपल में से पसंद आएगा उनको पसंद कर लेते। अच्छा अच्छा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एकदम 100% मस्त चीज बनाई है। कोई कह नहीं सकता कि भाई हाथ से बना है, बहुत ही जोरदार है यार। भाई अपन बनाएंगे हालत खराब हो जाएगी। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी अंकल भैया चिड़िया का पानी पीने का बनाने वाले हैं। कभी हैंड मूवमेंट देख लीजिए किस तरीके से बना रहे हैं। मिट्टी थोड़ी ज्यादा लगेगी, इसमें मिट्टी ज्यादा लगेगी। ऊपर से देखो गाइस, एक बार ऊपर से देखो। गाइस इधर आप देख सकते हो ये चिड़िया के पानी पीने का अंकल ने बना के रख दिया। ये भी बहुत ही सुंदर है। एक और बनवाए कोई चीज अंकल से? क्या बनवाए? गुल्लक। गुल्लक गुल्लक तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा अंकल, गुल्लक बना देंगे आप? अपने लिए मुश्किल है, इनके लिए मुश्किल नहीं है भाई। गुल्लक के लिए कितने जने तैयार है? मैं बनाना पड़ेगा गुल्लक। अंकल एक गुल्लक बना के दिखा दीजिए। बचपन से लेकर आज तक है ना काफी पैसे डालता है गुल्लकों में और फोड़ता है, तो कैसे बनता है वो भी देख ले गुल्लक बनता कैसे। गाइस पिगी बैंक, जिनको गुल्लक के बारे में नहीं पता। गाइस अभी देख लो ये है गुल्लक,
ये बनाने वाले अंकल गाइस सब कुछ यहाँ पे चल रहा है इनके यहाँ पे और हाथों का मूवमेंट यहाँ से सिंक है इनको क्या बनाना है सब वहाँ पे हाथों में चल रहा है। बुद्धू कभी आपने देखा भाई मैंने तो पहली बार वो बन गया हो बढ़ गया ये कैसे हो गया अंदर से खोखला ही है गाइस प्रोफेशनल बंदों से भी होती है सबसे होती है गलतियाँ तो भाई अंकल से जब हो गई तो अपना तो क्या हाल होने वाला है। गाइस हम भी बनाएंगे अभी मैं भी सीखना चाहता हूँ ये सीखने की क्लासेस चल रही है। अंकल ने हमें पूरी पूरी कोचिंग दे दी है अच्छे से दिखा दिया है समझा दिया कि किस तरीके से बनाना है तो सब मिलके बनाते हैं। चलो चलो भाई पहले सबसे पहला है नंबर मेरा चलो मशीन को चालू करते हैं और मैं है ना भैया ये गिलास बनाऊंगा तो सबसे पहला स्टेप था मशीन को चालू करना जो कि हमने करवा दिया है। दूसरा उसके बाद हाथों को पानी में गीला करना है तो ये मैंने हाथों को पानी में गीला कर लिया है तो भाई पानी को गीला कर लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो हाथों को गीला कर लिया है अब ये काम करते हैं ये गिलास का ये शेप बनाना ये वाला अबे यार बन गया रेड ओए बन रहा है आप क्या बना रही है आप बताइए उसको उठाओ निकल ले भाई तू हाँ चल भाई चल निकल ले भाई निकल अबे क्या है भाई जितना आसानी लग रहा था उतना आसान है नहीं है बन रहा गाइस देखो एक बार करीब से देखो थोड़ा पतला कर इसको पतला कर चारों ओर नीचे लगाओ फिर ये बात रोटी से मैं बना दूंगा कूलर बनाऊंगा यार हार नहीं मानूंगा ऐसे कैसे अंकल ने सिखाया है अंकल की मेहनत को व्यर्थ तो नहीं जा दूंगा बढ़ रहा है काटने के लिए पता क्या करना है इसको अपने को ऐसे छोड़ देना है यार एक मौका और मिलेगा अब इसके अंदर ऐसे अंगूठा डालना है बना बना जा रहा अंकल बेकार हो गया को एक बार मैं बताता हूँ आपको हाँ आप बताइए छोड़ के पोटा ले बस बहुत बढ़िया ये गाइस अंकल और मेरा कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पे सही नहीं है अब मैं टेडी बेडी है अब मैं बनाता कोई बात नहीं अब बनाते हैं सीख गया तो अंकल सबसे पहला स्टेप है इसको प्लेन करना है या अपन ने इस तरीके का कुछ बनाया अब इसको उंगली और अंगूठे के सहारे से ऊपर उठाना है वापस ताजन लग गया तो अरे ये टेढ़ा मुंह का हो गया ठीक है अब इसको काट लूंगा मैं तो यही कूलर काफी है मेरा ये ग्लास नरम मग बना रहा तू अरे ये ऐसा है रुक जा अभी तो एक सबसे मेन प्रोसेस है इसको काटना ये बात गाइस मैं तो फेल हो गया भैया मुझसे नहीं बन रहा ये अभी इनको देखते हैं ये कैसा बनाते हैं। तो गाइस सुरेश जी अभी क्या बनाने वाले हैं पता नहीं कुछ बनने जो है ठीक है वैसे क्या सोचा था बनाने की कूलर गाइस उधर देखो सब कैसा हंस रहे यहाँ पे एंजॉय कर रहे बाकी इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे कोई और करे तो बुद्धू बाजे बहुत बढ़िया अरे ओए ये क्या कर रहे हो आप दूसरी चीज मत तोड़ो भाई अरे नाना तोड़िए इस पानी से पूरा देखो इधर घुमा दिया पूरा पानी सुरेश जी इधर देखो अरे वाह यार बहुत जोरदार शेप बनाई है ओ वाह गाइस ये तो दूरबीन बढ़ा दिया दूरबीन गाइस अब बारी है काकू की और काकू क्या बनाने वाला है काकू क्या बनाने वाला है
पता नहीं जो बनेगा वही ठीक है। अरे रुक जाओ मत चढ़ो, मैंने तो चढ़ा था क्या? गाइस पता नहीं ये काकू कर क्या रहा है। वैसे इसने बनाने के लिए कहा था कूलर जो बढ़ जाए वही सही है। गाइस इसे देखा जाए तो सबसे बेस्ट अभी मेरा है, इसमें पानी पिया जा सकता है। अभी इसमें तो पानी पिया ही नहीं जा सकता, इसमें तो छेद है नीचे से। ये अंकल और मेरा कोलैबोरेशन था। अरे मेरा बन रहा है तो देख लो पहले क्या बना रहा है। ट्राई कर रहा कूलर बनाने का। वेरी गुड, नीचे से दबा और ऊपर खींच जैसे तुम मेरे को बोल रहे थे। बोलना बड़ा आसान है, खींच खींच। अरे वाह वाह वाह, बना सीढ़ियां पी सकती है पानी। बस बस ज्यादा मत कर, ज्यादा मत, टूट जाएगा। नीचे से इसको समतल कर ले बस। हाँ वाह वाह वाह, जाते चल रहा है। बस 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 टूट जाएगा तू, वो रड़स से कर रस्सी काट दे। अरे कैसे, अरे रस्सी फंस गई। गाइस सो क्लोज, काकू बहुत क्लोज चला गया था। तो गाइस अभी हमारे दद्दू बनाएंगे। दद्दू आप क्या बनाओगे? कुल्हड़ बनाऊंगा। दद्दू भी कुल्हड़ बनाएंगे, देखते दद्दू से कुल्हड़ बनता है या नहीं बनता है। बड़ा बड़ा वो बना 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 दद्दू बना रहे। दद्दू ऊपर खींचो, ऐसे ऊपर आ रहा है। दद्दू आप मत हिलो यार, दद्दू पूरे हिल रहे। हाँ काट लो काट लो दद्दू, इसको वो रस्सी तो दद्दू को काटने की। हाँ यार दद्दू मत बना रहे हो। बस बस दद्दू काट लो। सबसे ऐसे ही बन रहे भाई, ये दद्दू का है। तो गाइस अभी निर्मल बना रहा है। निर्मल तू क्या बनाएगा भाई? देखते हैं। गाइस ये कह रहा है देखते हैं, कुछ डिसाइड नहीं करा क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। वेरी गुड भाई, ये खुद के ही लगा लेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये क्या कर रहा, खींच ऊपर ऊपर खींच, पानी लगा पानी लगा ऊपर खींच ले पानी लगा। ये क्या कर रहा है गाइस? ये तो मिट्टी से खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनसे बनना कुछ नहीं है। अगर ऐसे लोग है ना अंकल के साथ लग गए ना तो अंकल को जरूर नीचे बैठा देंगे। तो गाइस हमारी स्टार आई है अभी दीपिका। अरे 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 दीपिका खींच रही है यार ऊपर की तरफ। पानी ले पानी ले हाथ में, पानी ले पानी ले। अंकल कह रहे हैं ले, कर दिया ना क्या अंकल? पानी ले पहले हाथ पे, दोनों दोनों हाथ। अरे ये क्या बना दिया बिना रस्सी के? गाइस ये बनाया दीपिका ने, चलो इसका भी साइड रखते हैं। भाई हम सब हार मान चुके हैं, हमसे कुछ नहीं होना। तो अभी अंकल है ना अपने को बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें बना रहे हैं, और वो कैसे बन रही है वो भी बताएंगे अंकल। कुमार का काम है ना, कभी किसी के हाथ में नहीं आया। गवर्नमेंट सबका काम खोस दिया, लेकिन कुमार का काम नहीं खोसा, और वो किसी का भी नहीं ये काम, कुमार ही करेंगे ये काम। अरे दद्दू दद्दू देखो इधर, ये लक्ष्मी जी का दिया बना दिया अंकल ने। ये ना, हाँ ये लक्ष्मी जी का दिया, ये लक्ष्मी जी का दिया है। पूजा के अंदर पूजा अर्चना करते हैं ना, उसमें काम आते हैं। तो गाइस अभी अंकल है ना गुलदस्ता बना रहे हैं, देख लो कैसे बन रहा है, करीबी से दिखा दो इनके हाथ की। हाँ, दिखाओ देखो हाथ का सफाई। आसमान के सारे तारे ला दो ना तुम, सोने की चेन डायमंड रिंग। ये क्या बना रहा मसाज मारी गुस्सारे पर मैं अपने खून। जरा अमेरिका दिखाना, ओ मुझे आसान ना बताना, सुन लो मैं रानी हूँ मुझे बताना। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए थोड़ा सा ये भी चाहिए। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से भाई एक मशीन, कुछ मिट्टी और इतनी सी ये धागे की डोर का इस्तेमाल करके हमने इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें बनाई है। मैंने नहीं, अंकल ने बनाई है। हमारा तो ये भैया जिसे कहते हैं टट्टी, ये टट्टी बना, ये मैंने बनाया, ये सूरज जी ने बनाया, ये काकू ने बनाया है। सच में यार अंकल के लिए एक लाइक तो बनता है, बाकी इनको देखो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या बना दिया। गाइस एक बार देखो, सांप है, सांप है, मेरा ये सांप है। और ये क्या, इसके मछली जैसे सांप है यार ये। चल जल्दी पाव आ गया इसके मोड़ने वाले का। और ये उठियो, और देखो गाइस इधर देखो, ये दीपिका तू क्या बना रही है? दिया अभी ना बनाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ। गाइस ये कुछ ना कुछ बनाने की, मेरे को तो ऐसा लग रहा है दिया बनाने की कोशिश कर रही पर दिया बन नहीं रहा है। और ये सूरज जी, अरे वाह यार बचपन के दिन याद आ गए। ये देखो चूल्हा हो गया, ये तवा हो गया, और ये क्या है सूरज जी? डेगची। भाई चूल्हे से बड़ी डेगची है ये, ऐसे रख दिया चूल्हा टूट जाएगा। वाह यार आज तो भाई बचपन के दिन याद आ गए। सच में बहुत ही अच्छा लगा ये सब करके, जो वो
अपने ट्रेडिशनल आर्ट है, पॉटरी है, जिसको हम मतलब कि कहते हैं कि मिट्टी से बनी हुई जो सामग्रियां हैं, सामान आइटम्स है, आज हमने वो बनाना सीखा है किस तरीके से बनता है। और आई होप हम सब लोग इन सब ट्रेडिशनल्स को प्रिजर्व करके रखें। इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि लोग आजकल भैया प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्यों अंकल? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो भैया लाइक कर देना, अंकल के लिए तो भैया शेयर कर देना और भी ज़्यादा। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। कुछ और एक्सप्लोर करना हो तो बता देना यार। तो गाइस फाइनली 2 दिन हो चुके हैं और हमारे जो मिट्टी के बर्तन है भाई वो यहाँ पे सूख चुके हैं। बार देखो कितना ये मजबूत हो गया। ये गुल्लक है ना? हाँ ये गुल्लक है। पर इसमें पैसे कैसे डालेंगे? ये जो गुल्लक था ये अंदर से खोखला है, बट भाई गुल्लक के अंदर पैसे डालने के लिए वो होना चाहिए ना सामने, तो इसमें छेद ही नहीं करा, तो अभी छेद करेंगे। सूरज जी लो करो भाई, इन सब चीजों की प्रॉपर केयर करनी पड़ती है तब जाके तो ये ढंग से बनते हैं। अबे लीक है। हाँ लीक है। ये नहीं है लीक भाई, ये एकदम परफेक्ट है। गाइस अभी तो इनको ना पकाना होता यार, हमसे पकाया नहीं गया इनको, और ये मिट्टी वापस मिट्टी जैसी हो गई है। बन गया पैसा डालो। देखो सुरेश जी ने गुल्लक बना दिया है, अब इसमें पैसे डाल सकते हैं। और पैसे डाल दिए, चलो मान लो 1 रुपया डालना इस गुल्लक में। भैया करोड़ों की अमानत रखी है, चलो इसे फोड़ के देखते हैं। गायब। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से ये सूख चुके हैं और एकदम मजबूत हो चुके हैं, बस इसे पकाया नहीं गया, हमारे पास पकाने की इक्विपमेंट नहीं है, किस तरीके से पकाते हैं वो भी नहीं पता, अंकल ने नहीं पता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हम मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। बाय बाय।